आपका दोस्त अल्ताफ शेख और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिगनर टू प्रोफेशनल। दोस्तों कल हमने क्या बात की थी, मतलब कि फ्राइडे के सेशन में दोस्तों हमने ये बात की थी कि मार्केट जो है अभी यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना चुका है और लगभग लगभग इसे कंप्लीट कर दिया है और मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में है। और वो दोस्तों किस बेस पर मैंने बताया था आपको, मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, अगर मैं भी आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ज़रा इस बेसिस पे दोस्तों मैंने कहा था कि मार्केट ने अभी डब्लू पैटर्न बना चुका है और लगभग रिटेस भी कर दिया है। अब यहाँ से ऊपर जाने का, इस तरीके से दोस्तों मार्केट ऊपर जाने की पूरी पूरी तैयारी में है। और आज के सेशन में अगर दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पर तो मार्केट दोस्तों हुई ओपन यहीं पर ही, मतलब गैप डाउन भी नहीं बोल सकते दोस्तों, मतलब नॉर्मल छोटा सा एक 50 पॉइंट के आसपास में नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है। और ओपन होने के बाद दोस्तों मार्केट एक ही रेंज में घूम कर मार्केट आज क्लोजिंग हो गई है और आज पूरा दिन दोस्तों मार्केट साइडवेज ही रहा है। तो दोस्तों इसको मैं आपको डिटेल्स में समझाने के लिए वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और वन डे के टाइम फ्रेम पे दोस्तों दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, आज की जो कैंडल बनी है यहाँ पर, ये एक डॉजी कैंडल बनी है यहाँ पर। और डॉजी कैंडल का दोस्तों हमेशा से रूल यही रहा है कि मार्केट जब भी इसके हाई को ब्रेक करेगा तो अपसाइड में एंट्री लेना है, और इसके लो को ब्रेक करेगा फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमें डाउन साइड को एंट्री लेना है, मतलब पी साइड में। इन बिटवीन दोस्तों यहाँ पे स्कैल्पिंग किया जाता है। इन बिटवीन अगर कोई भी मार्केट मिलता है तो हम स्कैल्पिंग करके छोटे छोटे टारगेट के लिए हम जा सकते हैं, बट एकदम सही एंट्री बोलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अपसाइड की जो है दोस्तों इसको ब्रेकआउट करने पर, और डाउन में दोस्तों इसके लो को ब्रेकआउट करने पर। ठीक है दोस्तों, ये एंट्री बनेगी हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कल के सेशन में इसको दोस्तों ज़्यादा डीपली समझने के लिए मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ और मैं भी दोस्तों यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ये ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी तक ये मार्केट एक चैनल के बीच में यहाँ पर चल रहा था अभी तक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो येलो लाइन है दोस्तों, ये लो और हाई है दोस्तों, आज के दिन का लो और हाई। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं पे दोस्तों ये ग्रीन लाइन जो मैंने बीच में खींचा हुआ है, ये दोस्तों एज अ सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है। आज दोस्तों मार्केट ने पूरा दिन आज यहीं पे ही सपोर्ट लिया है, इसी लाइन के ऊपर ही, तो इसलिए दोस्तों मैं इसको ड्रॉ करके रखा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे तीन सिनेरियो बन सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, वो किस तरह से दोस्तों ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट दोस्तों मान लीजिए, अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट जो है, मार्केट दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस ऊपर जाती है, रिटेस करती है, तो ऊपर से नीचे आने के चांसेस है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, एक तो इस तरह से यहाँ पे हमारा पोजीशन बन सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक डाउन करके दोस्तों इसे रिटेस करने के बाद अगेन नीचे आएगा, तो ये नीचे का लेवल बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, दोनों ही सिनेरियो बता दिया। अब दोस्तों मान लीजिए अगर गैप अप खुलता है, इसे रिटेस करता है और नीचे आता है दोस्तों, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी। और वहीं पे दोस्तों अगर मान लीजिए गैप अप ऊपर ही ओपन होता है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों गैप अप ऊपर ओपन होता है और ऊपर ओपन यहीं कहीं होने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे रिटेस करके ऊपर भी जा सकता है फ्रेंड्स इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं पर दोस्तों मान लीजिए गैप डाउन ओपन होकर इसे रिटेस करके अगेन नीचे भी आने की पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से, ये भी एक सिनेरियो बन रहा है दोस्तों यहाँ पे। मतलब ओवरऑल दोस्तों बोलने का मतलब यही है दोस्तों कि कुछ भी हो यहाँ पे, मार्केट जो इस लाइन के बीच में ही अगर मिलती है हमें, तो इसी लाइन के बेसिस के ऊपर दोस्तों हमें कॉल या पुट लेना है। और ये दोस्तों चैनल का लो है 34,669 का, वहीं पर दोस्तों ये हमारा हाई है 35,138 का। ठीक है दोस्तों, और ये मिडल लाइन है दोस्तों 34,920 के आसपास का दोस्तों, मार्केट इन बिटवीन मिलता है दोस्तों, तो इसी के हिसाब से हमें काम करना है कल के सेशन में। और दोस्तों अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है दोस्तों, अगर लाइन के ऊपर यहाँ कहीं तो इसे रिटेस करके दोस्तों मार्केट यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है, जो कि दोस्तों 35,350 का लेवल, जो कि मैंने दोस्तों जो फ्राइडे के सेशन में बोला था वही वाला लेवल, जो कि दोस्तों यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर जो डब्ल्यू पैटर्न बना है तो उसका जो ये टचिंग पॉइंट है दोस्तों 35,350 के आसपास का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी चीज़ को अभी हम ऑप्शन चेन की तरफ से भी समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन में किस तरह का पोजीशन बना हुआ है। तो आ गया हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में फ्रेंड्स यहाँ पे। और अगर दोस्तों मैं आज की बात करूँ दोस्तों, 35,000 का लेवल हमारे लिए दोनों ही साइड में दोस्तों
मतलब पुट में और कॉल में दोस्तों दोनों ही साइड में यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों एक्टिव थे। इसकी वजह से दोस्तों मार्केट आज के दिन में रेंज बाउंड रह गई, जिसे दोस्तों साइडवे भी कहा जाता है। और साइडवे मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट में दोस्तों हमें काम नहीं करना होता है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी रिस्की होता है। क्योंकि दोस्तों हम कभी भी कहीं पर भी अगर पोजिशन लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए हम कॉल में एंट्री हमने लिया और सडनली मार्केट दोस्तों पुट में भी मतलब डाउन साइड में भी आ सकता है, वहीं पे दोस्तों अगर मैंने पुट में एंट्री लिया तो दोस्तों अगेन वो अपसाइड भी जा सकता है। इसलिए दोस्तों रेंज बाउंड मार्केट या साइडवेज मार्केट को काफ़ी ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं दोस्तों ट्रेडिंग करने से। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की जाती है, जो छोटे छोटे पॉइंट जिसमें कलेक्शन किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी ऑप्शन चेन को रीड कर लेते हैं दोस्तों। ये मंथली एक्सपायरी भी है दोस्तों और वीकली एक्सपायरी भी है। और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की अगर दोस्तों बात करूँ मैं 35,000 को लेवल को छोड़कर, तो दोस्तों मुझे 34,000 का लेवल जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पे दोस्तों 13.9 मतलब कि 13,90,000 के आसपास में पोजीशन बने हुए दोस्तों यहाँ पर पुट साइड में, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे बन के आ रहा है। अगर मैं 35,000 को इग्नोर कर दूँ तो ठीक है दोस्तों, वहीं पे दोस्तों अगर मैं अपर साइड की अगर दोस्तों बात करूँ यहाँ पे, तो अपर साइड में दोस्तों कॉल साइड में मुझे 36,000 का लेवल नज़र आ रहा है, जो कि दोस्तों 16.6 मतलब कि 16,60,000 के आसपास में पोजीशन बने हुए हैं यहाँ पे कॉल साइड में। ये होगा दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मे बी दोस्तों यही हमारा एक ब्रॉड रेंज है, जो कि दोस्तों 34,000 हमारा सपोर्ट है और 36,000 हमारा रेजिस्टेंस है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं शॉर्ट पीरियड की बात करूँ दोस्तों, जो कि दोस्तों निकल के आ रहा है 34,500 पे दोस्तों, जहाँ पे 11,00,000 हमारा सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों पुट साइड में। वहीं पे दोस्तों कॉल में 35,500 का लेवल अगर मैं दिखा दूँ दोस्तों, तो जहाँ पे 12,90,000 मतलब 12.9 के आसपास में दोस्तों यहाँ पे पोजीशन बने हुए। तो मे बी दोस्तों हमारा छोटा जो रेंज है दोस्तों, यहीं पर मार्केट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जब तक दोस्तों मार्केट 35 के लेवल को दोस्तों अपर साइड में दोस्तों 35,200 के ऊपर नहीं चला जाता, तब तक ये 35,500 का लेवल हमें नज़र नहीं आएगा। वहीं पे दोस्तों अगर मैं मान लीजिए 34,800 का लेवल दोस्तों नीचे के साइड में हमारा ब्रेक नहीं होगा ये, तब तक ये दोस्तों 34,500 का लेवल हमें नज़र नहीं आएगा। तो इन बिटवीन दोस्तों 34,800 से लेकर 35,200 के बीच में मार्केट अभी एट प्रेजेंट सर्वाइव कर रहा है। और आज के दिन में दोस्तों 35,000 के ही आसपास में मतलब 100 पॉइंट ऊपर नीचे यहीं पे दोस्तों मार्केट ने सर्वाइव किया है। कल देखते हैं दोस्तों ओपनिंग पे डिसाइड होगा कि दोस्तों मार्केट कहाँ पे मूव होता है, बट शॉर्ट टाइम पे दोस्तों बोलूँ तो 34,800 से लेकर 35,200 के बीच में मार्केट होने की पॉसिबिलिटी है। और थोड़ा सा रेंज अगर बढ़ा दो दोस्तों, तो 34,500 से लेकर 35,500 तक मार्केट जाने की पूरी पॉसिबिलिटी दोस्तों, ये एक से दो दिनों के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगेन चलते हैं दोस्तों चार्ट की तरफ। दोस्तों तो आ गया फ्रेंड्स, तो आ गया मैं यहाँ पे चार्ट की तरफ अगेन। और दोस्तों जैसा कि चार्ट में जो दोस्तों बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों लेवल दोस्तों 34,660 का और 35,200 के आसपास का दोस्तों, मतलब लगभग ये लेवल दोस्तों आज का लो और आज का हाई है फ्रेंड्स। और ये जो ग्रीन लाइन दोस्तों, ये आज की क्लोजिंग है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इसी तीन लाइन को दोस्तों मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों आगे हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ट्रेडिंग करेंगे और दोस्तों उसी के हिसाब से हम यहाँ पर पोजिशन हमारी बनाएंगे भी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी दोस्तों। दोस्तों और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फीबो भी आपको लगा के दिखाना चाहूँगा दोस्तों, कि फिबोनाची में किस तरह का यहाँ पे पोजीशन बन रहा है और क्या हमें वहाँ पे नज़र आ रहा है अभी एट प्रेजेंट। तो ठीक है दोस्तों, चलो इसको मैं फीबो को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए मैं स्विंग लो टू अगर हाई को ले लूँ यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, मे भी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये 50 का लेवल है दोस्तों यहाँ पर, देखिए इसके बराबर नियर अबाउट आसपास में ये। तो मार्केट दोस्तों 50 के लेवल पे अभी सपोर्ट पर है, और 50 के लेवल दोस्तों काफ़ी हमारा पावरफुल लेवल होता है फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट के अंदर, क्योंकि 50 के लेवल से दोस्तों ज़्यादातर मार्केट बाउंस लेती है अपर साइड में। जैसे मान लीजिए अगर मार्केट डाउन आ रही है तो यहाँ से बाउंस हो जाएगी अपर साइड में, और दोस्तों अगर डाउन में मार्केट होगी तो ये यहाँ से दोस्तों इसका सपोर्ट लेते हो अगेन डाउन चली जाएगी दोस्तों, ऐसा है। अभी दोस्तों यहाँ पे बाउंस होगी अगेन अपर साइड में फ्रेंड्स, जहाँ तक के फिबोनाची के हिसाब से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो की मदद से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और आपके सवाल या सुझाव जो भी होंगे दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों नीचे दोस्तों मैं टेलीग्राम का लिंक भी दोस्तों आपको देना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। इसकी मदद से दोस्तों आपको लाइव मार्केट में किस तरह का पैटर्न बन रहा है, किस तरह की पोजीशन है मार्केट में, ऑप्शन चेन दोस्तों क्या कह रहा है लाइव मार्केट में, ये सारी चीज़ों की जानकारी दोस्तों हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। उस चैनल से दोस्तों जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक दे दूंगा, उसे आप क्लिक करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मिलते हैं दोस्तों ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा करें, स्वीट ड्रीम्स।